आप सभी का मेरी छोटी सी रसोई में स्वागत है। मेरा नाम सरबिला है और आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी बेस। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा क्रिस्पी बेस कितना अच्छा बना है। ये एक चाइनीज स्नैक है जो लोग होटलों में जाके खाते हैं, लेकिन आप घर में भी बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा कितना अच्छा बना है, बिल्कुल रेस्टोरेंट से भी अच्छा बना है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए बनाना स्टार्ट करते हैं हमारा क्रिस्पी बेस। दोस्तों, क्रिस्पी वेज बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे कुछ वेजिटेबल। यहाँ मैंने लिया है कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, कैप्सिकम, बेबी कॉर्न, अनियन, और यहाँ लिया है मैंने कैरेट और बीन। आप देख सकते हैं मैंने बीन भी लिया है और मशरूम भी लिया है। इनमें से कोई भी सब्जी कंपलसरी नहीं है कि आप वहीं ले, आपके पास जो भी सब्जी आप उसे ले सकते हैं। आलू है, गोभी है, प्याज है, गाजर है, शिमला मिर्च है, कुछ भी ले सकते हैं। और उसे इस तरीके से बड़े टुकड़ों में आप काट लीजिए अच्छे से धो के। कोई कंपलसरी नहीं है आपको किस साइज़ का काटना है। तो चलिए बनाते हैं हम बैटर। तो दोस्तों, बैटर बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक बाउल। उसमें मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर, और इसमें लगने वाली सभी चीज़ों का लिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और उसके साथ मैं ले रही हूँ यहाँ पे 2 चम्मच मैदा। आप देख रहे हैं, आप मैदा कॉर्नफ्लोर से थोड़ा कम ही रखें, जिससे कि आपका जो वेजिटेबल रहेगा वो बहुत ही अच्छा ऊपर से क्रिस्पी बनेगा। और यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच नमक, और उसके साथ मैं डाल रही हूँ 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च, जिसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है काली मिर्च का। और ये है मेरा सीक्रेट, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच सेजवान सॉस। ये मेरा होममेड सेजवान सॉस है। आप अगर इसे बनाना चाहते हैं तो मैंने लिंक दे दिया है वीडियो के एंड में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ हम पानी डालेंगे और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका हम पतला बैटर नहीं बनाएंगे, एक गाढ़ा बैटर बनाएंगे और इसमें सभी सब्जियों को इस तरीके से मिक्स करेंगे। अगर हमें कम लगेगा कि ऊपर से कोटिंग कम है तो हम एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि यहाँ पर मेरा थोड़ा कम गया था, तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और डाला है और 1 चम्मच मैं मैदा और डालूँगी। अब क्योंकि जो कोटिंग है आपके वेजिटेबल के हिसाब से आप डालिएगा कि आप कितना बना रहे, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि वो कॉर्नफ्लोर का जो क्वांटिटी हो मैदे से ज़्यादा होना चाहिए 1 चम्मच, तो आपका बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बनेगा। हम इसे इस तरीके से मिक्स करेंगे। हमें बहुत मोटी लेयर नहीं करनी, आप देख सकते हैं एक पतली सी उस पर लेयर होनी चाहिए बस, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। अब हम इसे फ्राई करेंगे। दोस्तों, मैंने यहाँ पर फ्राई करने के लिए कढ़ाई ले लिया था और उसमें तेल को अच्छे से गर्म कर लिया था, और मैं इस तरीके से एक एक करके सभी सब्जियों को डाल रही हूँ। आप देख रहे हैं इस तरीके से आप डालिए, और गैस के फ्लेम को आप मीडियम ही रखें, हाई ना करें, ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो। और इस तरीके से आप इसे फ्राई कीजिए। अगर कुछ जॉइंट रह जाए, मतलब चिपका हुआ रह जाए, तो उसे आप इसी टाइम पे कलछी से हटा सकते हैं, उसे तोड़ सकते हैं। आप इस तरीके से अच्छे से एक एक अलग अलग करके आप इसे फ्राई कर लें, जब तक कि अच्छा गोल्डन ना हो जाए, क्रिस्पी ना हो जाए। ये बहुत ही अच्छा क्रिस्पी हो जाएगा। इसे लगभग 3 से 4 मिनट लगेगा अच्छे से पकने में और क्रिस्पी होने में। इस तरीके से आप इसे कर लीजिए, और गैस के फ्लेम को आप मीडियम ही रखें, हाई ना करें, वरना आपका जलने का डर रहेगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं अच्छा सा क्रिस्पी हो गया है, और मैंने इसे निकाल लिया है। और इसी तरीके से हम बाकी सभी को फ्राई कर लेंगे। एक क्रिस्पी बेस बहुत ही अच्छा बनता है घर में, बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनने में। तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए और आप देख सकते हैं कितना आसानी से बन जाता है। तरीके से हमने सभी को तल लिया है, अब इसका हम सॉस तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पे लिया है पत्ता गोभी, 1 कटोरी से कम है, उसे पतले पतले मैंने काट लिया है, देख सकते हैं। और उसके साथ मैंने लिया है 2 चम्मच टमाटो सॉस, 1 छोटा चम्मच सोया सॉस, 1 छोटी चम्मच रेड सॉस, रेड चिली सॉस। यहाँ मैंने लिया है 1 मिर्ची जिसे इस तरीके से काट लिया है, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ जिसको मैंने इस तरीके से छोटे छोटे काट लिए हैं। यहाँ मैंने लिया है 1/2 छोटा चम्मच तेल, 3 से 4 मिर्ची, लाल मिर्ची है सूखी, और 1 प्याज जिसे मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। और यहाँ मैंने लिया है 1 चम्मच विनेगर, और साथ में मैं लूँगी अपना सेजवान सॉस जिसे मैंने घर में बनाया था, आप इसे भी यूज़ कीजिए, और साथ में हरे प्याज कटे हुए। यहाँ हम ले रहे हैं अपना जिसे हमने फ्राई कर लिया था, उससे हम ले लेंगे, आप देख सकते हैं। तो चलते हैं हम अपना सॉस बनाने। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई लिया है, उसे अच्छे से गर्म कर लिया था, और उसमें 2 चम्मच मैंने तेल डाला है, रिफाइंड तेल,
और यहाँ मैं डाल रही हूँ तिल, और जो मैंने लाल मिर्च लिया था खड़ा, उसे हम इसी तरीके से डाल देंगे। इसके साथ मैं डालूंगी हरी मिर्च, अदरक और लहसुन जिसे हमने बारीक काट लिया था, इसे हम डाल देंगे। हमें इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा 30 से 40 सेकंड आप भूनिए, उससे ज़्यादा नहीं भूनिए। और इस समय आप गैस के फ्लेम को हाई ही रखें, लो ना रखें, क्योंकि चाइनीज़ जो है हाई फ्लेम पे बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका, तो आप इसे हाई रखें। और आप देख रहे हैं 30 से 40 सेकंड भूनना है, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे कटे हुए पत्ता गोभी। इस तरीके से मैंने सभी को डाल दिया है, और इसे भी हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं भूनेंगे, इसे हम 30 से 40 सेकंड इसे भी भूनेंगे हाई फ्लेम पे। और उसके साथ मैं डाल दूंगी अब प्याज, देख रहे हैं आप इसी तरीके से बनाइए, आपका चाइनीज़ बहुत अच्छा बनेगा। और प्याज को भी थोड़ा भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक, आप देख रहे हैं नमक आप ध्यान से डालिएगा, क्योंकि हम पहले भी फ्राई करते समय उसमें बटर में डाल चुके थे, और सोया सॉस में भी नमक होता है, तो थोड़ा कम ही डालें। अब मैं डाल रही हूँ इसमें हरे कटे हुए प्याज, जो हरे प्याज होते हैं पत्ते वाले, उसे मैंने डाल दिया है, और इसे भी मैं अच्छे से भून लूँगी। आप देख रहे हैं कितने अच्छे से हमें भूनना है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटो सॉस, इसमें 2 चम्मच टमाटो सॉस जाएगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खट्टा मीठा, तो आप ज़रूर डालें। यहाँ मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ सोया सॉस। अब मैं डालूंगी इसमें चिली सॉस, इससे इसका थोड़ा सा तीखापन आएगा, तो आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने डाला है चिली सॉस। अब मैं इसमें डालूंगी विनेगर। इन सभी को डालने के बाद हम इसे मिक्स कर देंगे, अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है दोस्तों बनाने में, बहुत ही कम टाइम में भी बहुत अच्छा बन जाता है, बिल्कुल बाहर होटलों जैसा। तब इस तरीके से हम मिक्स करेंगे, और इसमें मैं डालूंगी अपना सीक्रेट जो मैंने घर में बनाया है सेजवान सॉस, इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, तो आप इसे ज़रूर डालें। और अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं, नहीं तो मेरा जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं, मैंने इस वीडियो लास्ट में मैं डाल दी हूँ। इस तरीके से मैंने 1 चम्मच डाल दिया है इसमें सेजवान सॉस, और इसे हम मिक्स करेंगे। और इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा जो फ्राई किए थे सारी सब्जियां, उसे हम ऐड कर देंगे। और हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनने में, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनने में। मैंने एक बार इसे मिक्स किया, और हमारे सभी सब्जियों को मैं यहाँ पे डाल दूँगी। आप देख सकते हैं कि मैंने ये सब्जियों को डाल दिया है, बहुत ही क्रिस्पी है। इसमें किसी तरीके का पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, पानी बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, बस जो हमने सॉस डाला था उसी सब में ये अच्छा कोटेड हो जाएगा। और इसे हम हाई फ्लेम पे 2-3 बार अच्छे से बस मिक्स करना है कि सारा कोटिंग इसके ऊपर लग जाए, बस हमें इतना ही मिक्स करना है, इससे ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। आप देख सकते हैं इसी तरीके से मिक्स कीजिए बिना किसी पानी का यूज़ किए हुए, ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। बस अब हम गैस को बंद कर देंगे, आप देख सकते हैं मैंने गैस को बंद कर दिया है, और इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, इसे हाई फ्लेम पे कीजिएगा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इस पर कोटिंग सारा लग गया। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा, इसी से आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिलेगा।